पेंटिंग की दुनिया में अगर आपको भी मेरी तरह इंटरेस्ट है तो आपने भी जरूर ही बहुत तरीके की गैलरीज विजिट की होंगी जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आर्टवर्क्स को लगाया जाता है। मोनालिसा की पेंटिंग बहुत फेमस एक पेंटिंग है। कभी आपने ट्रेडिशनल आर्ट भी देखा होगा, कभी आपने फॉरेन आर्ट भी देखा होगा, कभी आपने मॉडर्न आर्ट भी देखा होगा, तो कभी आपने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स भी जरूर देखी होंगी। हर पेंटिंग अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए होती है। आज की पेंटिंग में भी एक अलग सी बात है जो कि एक मैसेज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है हमारे समाज के लिए। तो इस पेंटिंग के लिए मैंने काफ़ी सारे टॉपिक सर्च किए और तब जाके अपने एक टॉपिक को मैंने फाइनलाइज किया। ये टॉपिक जब मेरे सामने आया तो मैं बेहद इम्प्रेस हो गई क्योंकि ये एकदम यूनिक चीज़ थी बट आज के लोगों को जानने वाली बातें भी थी। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड त्रिवेणिका जो आपको गाइड करती हूँ मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए और आपको अच्छे अच्छे टेक्निक्स बताती हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत खास है क्योंकि आज की जो पेंटिंग है वो आर्ट प्लस फिलॉसफी है। तो यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या मटेरियल्स हमें लगने वाला है। यहाँ पर मैं A2 साइज ले रही हूँ हैंडमेड शीट का, बाकी नेब होल्डर है, एक्रेलिक कलर्स है, पेंटिंग ब्रश है, पेंसिल और इरेजर आपकी इच्छा के अनुसार आप यूज कर सकते हैं। तो देरी किस बात की भाई, चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज एक बहुत ही खास तरीके की पेंटिंग को सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैंने A2 साइज लिया है, यानी जो A1 साइज की जो शीट होती है उसको हाफ कर लिया है और कुछ इस तरीके का सिंपल सा बॉर्डर मैंने रेडी किया है क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा ज़्यादा है और मेरे पास शीट का जो साइज था वो अगर ज़्यादा मैं इसमें बॉर्डर बनाती तो नहीं हो पाता। तो अब जल्दी से मैंने यहाँ पर क्या किया, पेंसिल से 3 फीमेल्स बनाई हैं, 3 लेडीज़ बनाई हैं अलग अलग तरीके की। और ये अलग कैसे हैं, हम इनका जो डिज़ाइनिंग है जो इनको तैयार करेंगे वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। प्लस अब बाद में मैं कलरिंग से भी आपको बताऊंगी कि ये कैसे डिफरेंट है। देखिए, बेसिकली ये जो पेंटिंग है वो थोड़ा सा अलग है और मैंने इसको जब ड्रॉ किया और इसके जो मैंने अपनी तरफ से जो थीम ऐड की है इसमें थोड़ी सी, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसलिए ये बिल्कुल 100% कॉपी तो नहीं बोलेंगे, डिज़ाइन की कॉपी आप कह सकते हैं, बट इसकी जो मैसेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। आप फीमेल जो हैं कैसे भी तीनों बना सकते हैं बट यहाँ पर एक हमने साइड फेस की फीमेल ये बना रहे हैं हम। तो जल्दी से आइए इसको कंप्लीट करते हैं। हर पेंटिंग की तरह हर वीडियो में मैं आपसे एक ही चीज़ कहती हूँ कि वर्क में फिनिशिंग लाइए। और अभी हाल ही में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो इंक है वो निब पे प्रॉपर वर्क नहीं करती है। तो कहीं से कि आप थोड़ा थोड़ा वाटर यूज़ कीजिए, उसको मिक्स कीजिए वाटर को और फिर अपनी निब में डिप कीजिए और उसको चला कर देखिए। अगर वो चल रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं चल रहा है तो उसमें फिर थोड़ा सा वाटर को ऐड कीजिए। बट अगर बहुत ज़्यादा वाटर ऐड कर देंगे आप तो आपका जो बाद में ड्राई होने के बाद जो आपकी ब्लैक इंक होगी ना वो थोड़ी सी ग्रे दिखने लगेगी, मतलब लाइट कलर हो जाएगा, जो लाइट कलर से फिर डिज़ाइन में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो
इस चीज़ का ध्यान रखिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप वाटर को ऐड करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता है, बट एक बार जब इंक बन जाती है तो मज़ा भी बहुत आता है काम करने में। तो हमारी ये वाली जो फीमेल है, इसका हैंड हमने कुछ इस तरीके से बनाया है मुड़ा हुआ, और बाकी का जो पोर्शन है वहाँ पे हम ब्लाउज़ में डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर तक डिज़ाइन को नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमें जस्ट बॉर्डर जैसा क्रिएट करना है यहाँ पर। अब हमारी ये वाली फीमेल तो रेडी हो गई, अब हम नेक्स्ट वाली बनाते हैं। यहाँ पर हम जो फीमेल बनाएंगे उसका बैक पोर्शन बनाएंगे, मींस सर बनाएंगे और शोल्डर बनाएंगे, लेकिन पीछे की तरफ से जैसे बनाते हैं उस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम मैं जूड़ा बना रही हूँ, और जूड़े के बाहर मैं फ्लावर यहाँ पर ऐड करूँगी, क्योंकि मैं ये टोटली मधुबनी स्टाइल में बना रही हूँ, तो मधुबनी जो पैटर्न्स है वो मैं यहाँ यूज़ करते हुए इसको कम्प्लीट करूँगी। अब यहाँ पर मैं दुपट्टा, साड़ी नहीं, मैं दुपट्टा दिखा रही हूँ, जैसे लहंगा चोली के ऊपर जो दुपट्टा होता है उस तरीके का। तो यहाँ पर कमर का डिज़ाइन मेरे से बाय मिस्टेक ये बन गया था, लेकिन अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको पूरा दुपट्टे के डिज़ाइन में डाल दूंगी, और ऐसा फील होगा जैसे ये दुपट्टा पीछे की तरफ पड़ा हुआ है। तो हमारी यहाँ पर जो सेकंड लेडी है वो भी रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे थर्ड। थर्ड को मैं बनाऊंगी फ्रंट फेस के साथ, तो फ्रंट फेस बनाना है हमें, और यहाँ पर मैं जो बनाऊंगी वो बिल्कुल जो कहते हैं गांव की जो लेडी है उस तरीके से बनाऊंगी, दुपट्टा सर पे ओढ़े हुए। तो इन सब चीज़ों का मीनिंग मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि क्या क्या मीनिंग है, लेकिन ये इसी तरीके से मैं बनाऊंगी यहाँ पर। तो जो ओरिजिनल पेंटिंग है उसमें ये सब चीज़ें नहीं हैं, बट यहाँ पर मैंने कुछ और जो पहलू हैं हमारे समाज के उनको भी दिखाया है, उनको भी निकाला है इस पेंटिंग के थ्रू। तो ये जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। Thank you.
फ्रेंड्स यहाँ पर मोस्टली हमारा जो डिज़ाइन है वो ख़त्म हो गया है, अब हम स्टार्ट करेंगे कलरिंग। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली जो लेडी है उसको कलर करूँगी और यहाँ पे थोड़ा सा मैं डार्क शेड यूज़ करूँगी और इसके बाद हम सारी कलरिंग देखते हैं। तो जल्दी से आइए कलरिंग भी कर लेते हैं। तो फाइनली अब बहुत ज़्यादा कलरिंग दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो चलिए जल्दी से फाइनल लुक देख लेते हैं। फाइनल लुक कैसा है, कैसी लग रही है हमारी पेंटिंग? तो फ्रेंड्स जो कलरिंग करने के बाद है वो पेंटिंग कुछ इस तरीके से लग रही है और यहाँ पर मैंने बहुत ही चटक कलर्स का यूज़ किया है क्योंकि मेरी जो पेंटिंग है वो बहुत कुछ बोलेगी अभी आपसे और आप मतलब समझने आपको समझना भी पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या यूज़ है। यहाँ पे कलर्स को भी एक थीम के अकॉर्डिंग यूज़ किया गया है। तो ये हमारी जो लेडी है जिसने सर पे मटका उठाया हुआ है, तो ये है। इसके बाद यहाँ पर ये हमारी जो सेकंड लेडी है जिन्होंने अब मटके को जो है अपने कंधे पे रखा हुआ है, उनका इस तरीके से गेटअप हमने बनाया है। हर गेटअप का एक मायना है, एक मीनिंग है। तो पेंटिंग को समझने से पहले प्लीज़ मत जाइएगा वीडियो को छोड़कर, क्योंकि यही मेन पार्ट है इस वीडियो का और कुछ छोटा सा मैसेज भी है इस वीडियो के थ्रू जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और यहाँ पर ये हमारी जो थर्ड वन है, मोस्ट क्यूट ब्लैक ब्यूटी, यहाँ पर इन्होंने भी इनका भी इस तरीके से मैंने इनको रेडी किया है। तो चलिए अब जान लेते हैं डिटेल्स कि आखिर क्या खासियत है हर लेडी में और क्या डिफरेंस है, क्या मैसेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं कलर्स के ऊपर बात करूँगी क्योंकि कलर का डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा मैंने कई बार देखा है कि मतलब सांवले लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। काफ़ी बार मतलब मेरे तरफ मुझे, मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी के साथ ऐसा होता है, बट कई बार मैंने देखा है, सुना है। तो देखिए अब ये जो लड़की है थोड़ी डल है, इसका जो स्किन है वो बहुत डस्की है, लेकिन इसने भी जो मटका है वो पकड़ा हुआ है ना, अपने एक स्टाइल से उसने इस मटके को पकड़ा हुआ है। और इसके बाद जो हमारी जो सेकेंड लेडी है वो शादीशुदा है, अभी नई नई शादी हुई है, जिसके हाथों पर मेहंदी दिखाई गई है और एक हाई प्रोफाइल बहू है ये, क्योंकि फेस जूड़ा वूड़ा जो है बहुत सुंदर उनका बनाया गया है। तो यहाँ पर भी देखिए उन्होंने भी इस मटके को एक अलग अंदाज में पकड़ा हुआ है, उन्होंने अपने शोल्डर पे इस मटके को रखा है और एक हाथ से उसको होल्ड किए हुए है, ये देख सकते हैं आप इधर। इसके बाद अब बात आती है हमारी जो थर्ड वीमेन है जो कि मैंने दिखाई है, थोड़ा सा आप इसको गांव के एरिया की समझ सकते हैं या कम थोड़ी सी पढ़ी लिखी समझ सकते हैं, आप कोई भी चीज़ इसको मान सकते हैं, बट मैंने जो मोस्टली दिखाया है एक गांव की महिला दिखाई है, उन्होंने ये मटका अपने सर पे उठाया हुआ है। अब गाइस बात आती है कि इन तीनों महिलाओं में कुछ ना कुछ बात है, जैसे ये गांव की है, इन्होंने सर पे लिया है, वो न्यूली मैरिड है और उनके हाथ की मेहंदी तक नहीं छूटी है, उन्होंने इसको कंधे पे पकड़ा है और जो डार्क शेड टोन की है उन्होंने आगे पकड़ा है। तो गाइस इसका जो मैसेज है वो यही है कि मटका सिर्फ एक मटका, पानी से भरा मटका नहीं है, ये है जिम्मेदारियां जो समाज हर औरत को देता है और हर औरत के नसीब में जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां रहती हैं। हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, हर किसी को टाइम देना चाहिए, क्योंकि हर कोई जिम्मेदारियां अपने अपने तरीके से पकड़ता है जैसे कि इस पेंटिंग में दिखाया गया है। तो ना ही हमें कलर का सोचना चाहिए कि सांवली है तो ये क्या ही करेगी या इसको नापसंद कर देते हैं, कई बार लड़के वाले रिश्ता नापसंद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हर कोई जिम्मेदारियां उठा लेता है, चाहे वो नई नई शादीशुदा हो, चाहे वो गाँव की कम पढ़ी लिखी महिला हो,
सभी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, तो इसलिए हमें कभी भी औरतों में या कभी भी कलर के थ्रू या कभी भी किसी के स्टेटस के थ्रू उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब जिस पे जैसा बन पाता है वैसी वो जिम्मेदारियां निभाता है और ज़रूर ही निभाता है। अपने घर परिवार में जब भी महिला या लड़की कोई नई शादी करके आती है तो उसे थोड़ा वक्त भी देना चाहिए, क्योंकि तभी वो जो है उस घर के रीति नियम में या नियमों में ढलेगी और उन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएगी। हो सकता है वो भी इसी तरीके से मटके जो जिम्मेदारियों का मटका है वो अलग ढंग से पकड़ी हो और अभी तक हमने उसको देखा ना हो। तो मेरे ख्याल से ये मैसेज है मेरा इस पेंटिंग के थ्रू कि कभी भी हमें लेडीज को कंपेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो, सांवली हो या नई नई शादीशुदा हो या हाई प्रोफाइल स्टेटस की हो। हमेशा हर किसी को बराबरी से देखना चाहिए और उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की पेंटिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। है तो ये रिक्रिएशन, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैंने अलग कलर्स का जो है और स्टेटस वाइज जो मैंने डिफरेंस दिखाया है वो इसमें डिफरेंट है। तो आज की पेंटिंग अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और थीम कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई थीम के साथ, एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और शुभ रात्रि।